नॉलेज लीड चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाइए टेक्निकल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अगर आप एक अच्छे डेटा एनालिसिस है तो आपको VLOOKUP आता ही होगा, लेकिन अगर आप एक अच्छे एनालिसिस डेटा एनालिसिस बनना चाहते हो तो आपको रिलेशनशिप भी आना चाहिए। अभी ये रिलेशनशिप क्या है, जो VLOOKUP फॉर्मूला हम एक्सेल में यूज करते हैं वैसे ही सेम रिलेशनशिप भी डेटा मॉडलिंग में काम में आता है। तो चलिए दोस्तों आज देखते हैं VLOOKUP एज अ रिलेशनशिप कैसे यूज होता है इन डेटा मॉडलिंग में। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय और आप देख रहे हैं नॉलेज लीड चैनल। चलो भाई, आपके बॉस ने आपको टास्क दिया हुआ है, आपके पास एक सेल का रिपोर्ट है, वो सेल का रिपोर्ट जो है वो रिपोर्ट में से आपको रीजन वाइज अप्रोक्स कॉस्टिंग कितना सेल हुआ है, कितना प्रोडक्ट सेल हुआ है, ये आपको बॉस को देना है। अभी आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको तो VLOOKUP लगाना ही है। तो चलिए देखते हैं एज अ VLOOKUP करके आप ये डेटा कैसे निकालेंगे और उसके बाद हम देखते हैं कि रिलेशनशिप का यूज करके हम यही सेम डेटा हम कैसे निकालेंगे। अगर आप VLOOKUP यूज करते हो तो VLOOKUP यूज करने के लिए आपके पास छोटा डेटा रहेगा तो आप बहुत ही इजीली वो डेटा जो है वो आप निकाल सकते हैं। लेकिन अगर सपोज आप अगर बिग डेटा के ऊपर काम कर रहे हैं, बहुत सारे डेटा के ऊपर काम कर रहे हैं, तो आपको रिलेशनशिप आना ही चाहिए, रिलेशनशिप से आपका काम एकदम फटक से हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट VLOOKUP से कैसे निकालते हैं। चलो मैंने यहाँ पे हेल्पर कॉलम जो है वो ऐड किया है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ रीजन। सो अभी हमने यहाँ पे रीजन में मुझे क्या करना है, ये जो प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट का रीजन जो है वो यहाँ पे मुझे निकालना है। तो इसकी वजह से मैं यहाँ पे निकालता हूँ इज इक्वल टू VLOOKUP। ओके, लुकअप वैल्यू जो है वो मेरा यह है प्रोडक्ट कॉमा, टेबल एरे जो है वो ये है मेरा, इसको मैं अभी फिक्स कर देता हूं F4 कॉमा कॉलम नंबर 2 कॉमा 0 एग्जैक्ट मैच। इसके बाद हम ये फॉर्मूला जो है ये फॉर्मूला हम ट्रैक करते हैं। अगर सपोज मैंने ये फॉर्मूला देखा, अगर सपोज मैंने टेबल देखा तो टेबल में मेरा जो डेटा है वो यहाँ पे देखो कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो अगर आप प्रेस करोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा 4505 इतना काउंट जो है वो अपना डेटा है, इतने रिकॉर्ड्स अपने डेटा में। तो यहाँ पे देखो अभी दोस्तों रीजन तो आ गया है, इसको अभी हम पीओट लगाते हैं ताकि हमें प्रोडक्ट का कितना सेल हुआ है और सेल अमाउंट जो है वो हम निकाल सकते हैं। तो इसके लिए मैं इंसर्ट में गया, इंसर्ट में जाके यहाँ पे पीओट टेबल के ऊपर क्लिक किया। रेंज तो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हुआ है क्योंकि मैंने ऑलरेडी जो डेटा था वो डेटा मैंने सिलेक्ट कर दिया एग्जिस्टिंग वर्कशीट। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे वर्कशीट के सेम वर्कशीट में हम ये जो डेटा है ये हम इंसर्ट करते हैं। देखो अभी पीओट तो इंसर्ट हो गया, पीओट इंसर्ट होने के बाद मुझे रीजन वाइज डेटा निकालना है तो इसकी वजह से मैं रीजन जो है वो मैं रो में ड्रैग करता हूँ। उसके बाद मुझे अमाउंट चाहिए, इसके लिए मैं अमाउंट निकालता हूँ। अभी आपका अमाउंट जो है वो अमाउंट आ गया है कि रीजन वाइज इतना इतना काउंट है। अगर आपको सेल क्वांटिटी निकालना है तो सेल क्वांटिटी भी आप निकाल सकते हैं, अगर सपोज वो ऊपर नीचे करना है तो वो भी आप यहाँ से वैल्यू में से निकाल सकते हो। अभी देखो आपके पास ये जो डेटा आ गया इसको अभी मैं फॉर्मेट कर देता हूँ, यहाँ पे नंबर फॉर्मेट करेंसी और यहाँ पे मैं करेंसी का सिंबल दे देता हूँ। चलिए दोस्तों आपका जो डेटा है वो डेटा आ गया। अभी इसको मैं थोड़ा डिजाइन में जाके लेआउट में शो इन टेबुलर फॉर्मेट। तो अभी यहाँ पे देखो रीजन में आपको ईस्ट नॉर्थ साउथ साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट ये जो रीजन है ये रीजन का आपको टोटल सेल क्वांटिटी मिल गया और सम अमाउंट जो है वो हर एक रीजन वाइज अमाउंट आपको मिल गया। अभी सेम चीज जो है वो आपको मैं रिलेशनशिप से
विदाउट हेल्पर कॉलम इंसर्ट करके मैं आपको करके दिखाता हूँ। अभी ये जो डेटा है इसको मैं हटा देता हूँ, हटा दिया। इसको अगर मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये डेटा अभी चला जाएगा। अभी सिर्फ मेरे पास ये जो है वो सिर्फ एक रॉ डेटा पड़ा हुआ है, इतने रिकॉर्ड्स है सेम। तो इसको पहले हम टेबल में कन्वर्ट करते हैं। तो इसके लिए कंट्रोल टी प्रेस किया और यहाँ पे मैं इसको टेबल में कन्वर्ट कर दिया। ओके, इस टेबल का नेम देता हूं मैं सेल रिकॉर्ड्स। ओके, और ये जो है इसको भी मैं टेबल में कन्वर्ट कर देता हूँ रीजन। हाँ, इसको नाम दे देता हूँ मैं रीजन। अगर सपोज आपको अभी रिलेशनशिप करना है तो रिलेशनशिप के लिए आपको पावर पीओट जो है वो पावर पीओट आपको एनेबल करना पड़ेगा। इसके लिए फाइल में जाओ, फाइल में ऑप्शन, ऑप्शन में जाने के बाद एडिंस के ऊपर क्लिक करो, एडिंस में कॉम एडिंस के ऊपर क्लिक करो और गो बटन के ऊपर प्रेस करो। यहाँ पे अभी आपको इंक्वायर, पावर मैप, पावर पीओट एंड पावर व्यू, ऐसे चार ऑप्शन मिलेंगे। इसमें से आपको पावर पीओट जो है वो एनेबल करना है। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पीओट फॉर एक्सेल के ऊपर क्लिक करो और ओके करो। अभी यहाँ पे देखो पावर पीओट करके ऑप्शन आ गया है। अभी मैं क्या करता हूँ, ये जो टेबल है ये टेबल में डेटा मॉडल में एड कर देता हूँ। तो मैं टेबल के कौन से भी सेल में क्लिक करो और उसके बाद ये एड टू डेटा मॉडल के ऊपर क्लिक करो। एड टू डेटा मॉडल के ऊपर क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिकली ये जो टेबल का डेटा है, ये टेबल का डेटा ऑटोमेटिकली डेटा मॉडल में इंसर्ट हो जाएगा। लेकिन एक बार ओपन होने के बाद, क्योंकि अपना जो डेटा है वो थोड़ा हेवी है इसकी वजह से थोड़ा टाइम ले रहा है, लेकिन एक बार अगर लोड हो गया तो बाद में ऑटोमेटिकली वो जो डेटा है वो चला। यहाँ पे देखो आपका जो डेटा है वो डेटा अभी यहाँ पे आ गया है टोटल, और यहाँ पे सेल रिकॉर्ड का नाम भी बता रहा है। ओके, अभी एक जो डेटा है वो एक डेटा हमने इंसर्ट इंपोर्ट तो कर लिया। अब दूसरा जो टेबल है इसको भी मुझे करना है, तो इसकी वजह से मैं दूसरे टेबल के ऊपर क्लिक करता हूँ और एड टू डेटा मॉडल के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे देखो सेल रिकॉर्ड और रीजन दोनों टेबल जो है वो अपने डेटा मॉडल में इंसर्ट हो गए हैं। अभी इनको मुझे क्या करना है कि ये जो डेटा है ये डेटा में कुछ अभी सिर्फ रिकॉर्ड्स है, इसमें सिर्फ सेल रिकॉर्ड है, रीजन जो है इसमें सिर्फ प्रोडक्ट नेम है और रीजन है। ओके, सो डेटा मॉडल में जब भी आप रिलेशनशिप बनाते हो तो रिलेशनशिप बनाने के लिए आपको यहाँ पे देखो व्यू में आप डायग्राम व्यू के ऊपर क्लिक करो। डायग्राम व्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको दो टेबल्स मिलेंगे। ये देखो यहाँ पे आपको सेल रिकॉर्ड और दूसरा जो है वो रीजन। अभी जो रिलेशनशिप जो होता है वो रिलेशनशिप वन टू मेनी इस तरह से हम रिलेट करते हैं, उस वो प्रोडक्ट जो है वो प्रोडक्ट से रिलेट करते हैं। तो अभी मेरे पास दो टेबल है, दो टेबल में से यूनिक रिकॉर्ड जो है वो रीजन में है और मेनी रिकॉर्ड जो है वो मुझे मेरे सेल रिकॉर्ड्स में। तो इसकी वजह से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे प्रोडक्ट जो है वो प्रोडक्ट यहाँ पे मेरे पास यूनिक है और यहाँ पे जो प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट जो है वो मेनी है। इसकी वजह से मैं प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करके मैं यहाँ से ड्रैग कर देता हूँ प्रोडक्ट के ऊपर। ओके, अभी ये देखो यहाँ पे रिलेशन हो गया। यहाँ पे वन इसका मतलब है यूनिक रिकॉर्ड्स एंड स्टार इसका मतलब है मेनी रिकॉर्ड्स। तो अभी अपना रिलेशनशिप बन गया। अभी मैंने कौन सा भी इसमें फॉर्मूला यूज नहीं किया है, तो चलिए चलते हैं अभी इसको हम पीओट डालते हैं। पीओट टेबल न्यू वर्कशीट के ऊपर लेते हैं। न्यू वर्कशीट के ऊपर लेने के बाद यहाँ पे देखो दो टेबल्स आ गए, एक जो है वो रीजन और दूसरा जो है वो सेल रिकॉर्ड्स। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो रीजन टेबल है इसमें से मैं रीजन जो है वो फील्ड रो में ले लेता हूँ और सेल रिकॉर्ड्स में से मैं सेल क्वांटिटी जो है वो पहले ले लेता हूँ और अमाउंट जो है वो बाद में ले लेता हूँ। सेम आंसर जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसका हम फॉर्मेटिंग करते हैं, लेआउट शो इन टेबुलर फॉर्मेट, और इसमें जाते हैं, इसको राइट क्लिक करते हैं, नंबर फॉर्मेटिंग में जाके यहाँ पे इसको करेंसी दे देते हैं। ये देखो अभी आपका रिकॉर्ड जो है वो बन गया। अभी इसका मतलब है कि जब आप
कोई भी डेटा जो है वो रिलेशनशिप में यूज करते हैं, सेम आंसर आपको मिलता है। ये देखो यहाँ पे अपना आंसर है जो हमने वी लुकअप लगा के निकाला था, और सेम आंसर जो है वो यहाँ पे हमने रिलेशनशिप करके डेटा मॉडल में ऐड करके हमने बनाया। तो इस तरह आप विदाउट वी लुकअप यूज करके, रिलेशनशिप का यूज करके आप ऐसा डेटा जो है वो डेटा आप निकाल सकते हैं। आप ऐसा अपना डेटा एनालिसिस के लिए ये जो रिलेशनशिप टूल है ये टूल यूज करके आप इसको अपने MIS डॉक्यूमेंट में यूज कर सकते हैं, या फिर जब आप डेटा एनालिसिस करते हो तो भी आप इसको आप यूज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेके मैं जल्दी आने वाला हूँ, तब तक के लिए आप लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।